हेलो एवरीवन, ये देखिए क्लास ट्वेल्थ का भूगोल है। तो आपका भूगोल जो है वो सेकेंड बुक है, जो आपकी भारत की भूगोल है उसका मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जनसंख्या वितरण पढ़ना है, जिसको मैंने पढ़ा दिया। आज आपको मैं बताऊंगा जनसंख्या घनत्व, फिर इसके बाद संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता जाए। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व भारत की भूगोल है, तो हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना है। वैसे ये सारे प्रश्न आप फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हो, लेकिन आपको इन प्रश्नों को थोड़ा अलग टाइप से लिखना पड़ेगा भारत के संदर्भ में। तो जो आप ध्यान से समझिएगा, सीधे सीधे मैं आपको प्रश्न कराता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न आपका क्या है, भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब प्रश्न को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो की विविधता अगर मैं बता देता हूँ, तो बच्चे इस तरह से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, जानते हैं उसके पीछे, जब इस टाइप से उनको सुव्यवस्थित ढंग से इस तरह से प्रश्न दिखता है ना, वो नहीं कर पाते हैं। उनको आता भी रहता है प्रश्न का उत्तर, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें लिखना क्या है। तो इसीलिए मैं प्रश्न को दिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रेम पूर्वक समझाऊंगा। प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न आपने अच्छे से देख लिया, प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो लिखिएगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यानी आप इस तरह से लिखिएगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब प्रश्न में पूछा है घन यानी भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता, विविधता को आप क्या करिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। विविधता मतलब भारत में जो जनसंख्या है वह असमान रूप से फैली है, किसी प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है, किसी प्रदेश में कम जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ पर विविधता लगाया है। अब ये देखिए, इस प्रश्न को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपका जो फर्स्ट बुक से संबंधित है, जिसमें आप क्या करोगे, जलवायु, भूमि, उच्चावच यानी असमानता ये दिखाओगे। क्या, जैसे कहीं की भूमि बंजर है, कहीं की पठारी है, कहीं की पहाड़ी है, तो कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे जलाशय है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। इन कारणों की वजह से भी जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। लेकिन जो आपके भारत की बुक के संदर्भ में आपको लिखना है, इन तरीके से नहीं लिखना है। ये तरीका आप फर्स्ट बुक में अपनाइएगा, सेकेंड बुक में समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, और पहले से भी याद था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता यानी असमानता को विस्तार पूर्वक समझाना है। अब यहाँ पर देखिए, जनसंख्या घनत्व की विविधता यहाँ पर लिखा है, इस तरह से आप डालिएगा, भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, जो कि निम्नवत लिखे गए हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट उसमें यानी पहला एक नंबर डालिएगा, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो भारत को देखिए तीन पॉइंट में आप समझा सकते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, दूसरा का मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, तीसरा का क्या है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। आप इन तीन पॉइंट को लिखकर आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों भारत की जनसंख्या में विविधता पाई जाती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। अब ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट है कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, तो इसमें भी क्या है, दो पॉइंट आपको डालकर समझाना पड़ेगा। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में भी क्या है, दो टाइप के प्रदेश हैं। पहला जो है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, और दूसरा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। अत्यधिक का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, और अधिक का मतलब अधिक ही है यानी अधिक है, तो अधिक से ज़्यादा क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो देखिए, जो इसमें पॉइंट आपने डाला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में, तो पहला पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, तो ऐसे प्रदेश में लोगों की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी एक किलोमीटर के अंतर्गत क्या 800 से भी ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, एक ही किलोमीटर के अंतर्गत 800 से भी क्या ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। जो आप उदाहरण भी दे दीजिएगा, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुंडुचेरी, ये आपके क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और राज्य के बारे में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले बिहार आता है,
इनको याद रखिएगा, सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है यानी राज्य कौन सा अगर पूछे तो वो बिहार है, और जब केंद्र शासित में पूछे वो आपका क्या है दिल्ली है। तो आप इन तरह से बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी उदाहरण डाल देंगे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में एक किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति रहते हैं आपके 550 से 700 यानी 550 से 700 व्यक्ति एक किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएंगे। किसमें, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में। अब इसमें भी उदाहरण आप दे देंगे तमिलनाडु, हरियाणा, आप पंजाब भी इसमें आएगा, इसमें पंजाब भी आता है। तो आप याद रखिएगा पंजाब, ये यार आप समझ गए होंगे, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा ये इसके क्या है उदाहरण है। अब आपका पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म हुआ। दूसरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व क्या होती है प्रति यानी मध्यम होती है। जाहिर सी बात है जब पॉइंट में लिखा है मध्यम तो आपको बताना है कि ऐसे प्रदेशों में प्रति एक किलोमीटर के अंतर्गत में कितने व्यक्ति मिलेंगे, 300 से 450 व्यक्ति मिल जाएंगे। ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं जो कि निम्नवत लिखे गए हुए हैं, कौन कौन से हैं, गोवा, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब ये दूसरा आपका खत्म हो गया, तीसरा है आपका निम्न जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो निम्न में क्या आता है जरा इस चीज को समझिए, इसको भी दो भागों में बांटकर बताया जाएगा। इसलिए दो भागों में बांटकर बताया जाता है क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना वो बहुत ही अलग थलग है, इसीलिए कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, वो भी निम्न में भी। तो ध्यान से समझिएगा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में कौन कौन से हैं, विरल जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, फिर है अत्यधिक विरल जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो विरल यानी विरल तो है ही, अब दूसरा पॉइंट है अत्यधिक विरल और ज़्यादा विरल, इसको जरा समझिएगा। ऐसे प्रदेश जिनमें एक किलोमीटर के अंतर्गत 100 से 250 व्यक्ति आते हैं वो विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वो प्रदेश कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है। वहीं पर जो आपका नीचे वाला पॉइंट है अत्यधिक विरल जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, ऐसे प्रदेश जिनमें एक किलोमीटर के अंतर्गत में क्या 100 से भी कम व्यक्ति आपको मिलते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आपको अत्यधिक विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भारत का कौन सा है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, वो आपका बिहार है, इसको याद रखिएगा। सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, भारत में जनसंख्या घनत्व की विविधता को विस्तार पूर्वक से समझाइए। तो जनसंख्या घनत्व आप लोगों ने समझ गया, तो भारत में वैसे जनसंख्या घनत्व कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत में एक आंकड़ा बताया गया है कि भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितनी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति मिल जाएंगे। अब वो अलग व्यक्ति है कि अलग बात है कि अरुणाचल प्रदेश में आपको 100 व्यक्ति से भी कम मिलेंगे एक किलोमीटर के अंतर्गत में, ये एक अनुमान है। अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, 50 वर्षों के अंतर्गत ये आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये सब बताया जा रहा है। अब देखिए आपका 50 वर्ष जब बीत गए यानी 50 वर्ष से पहले 200 व्यक्तियों की जनसंख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यानी एक किलोमीटर में पहले कितने लोग व्यक्ति रह रहे थे आज से 50 साल पहले। तो ये 382 में से अगर आप 200 इस तरह से घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पर 82 और 1 आ जाएगा, यानी पहले 50 साल पहले 182 व्यक्ति एक किलोमीटर के अंतर्गत बस रह रहे थे। आई बात समझ में, तो मैं आपको समझा रहा था यही प्रश्न, फिर से मैं बताता हूँ शॉर्ट में, आप ध्यान से सुनिएगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं आप लोगों को मैंने बताया, फिर इसके बाद भारत में जनसंख्या विविधता को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो भारत में हम जनसंख्या विविधता को निम्नलिखित तथ्यों के तहत हम आसानी से उसको हम समझा सकते हैं जो कि निम्नवत लिखे गए हुए हैं।
पहला पॉइंट डालेंगे जनसंख्या घनत्व की विविधता, यानी पहला पॉइंट है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। पहला पॉइंट याद रखिएगा उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा निम्न जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत दो पॉइंट उसके में और आते हैं, जो आपका अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है यानी उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में पहला पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, जिसमें 800 से अत्यधिक व्यक्ति या किलोमीटर के दायरे में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़ याद रखिएगा, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, यूपी याद रखिएगा। फिर यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश में एक किलोमीटर के अंतर्गत 550 से 700 व्यक्ति आपको देखे जाएंगे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा में। फिर इसके बाद आपका आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, तो इसमें देखिए एक किलोमीटर के दायरे में आपका 300 से 450 व्यक्ति आपको आसानी से मिल जाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं? गोवा, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे निम्न जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, इसमें देखिए पहला पॉइंट डालिएगा विरल जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपका 100 से 250 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे एक किलोमीटर के दायरे में, जो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आप उदाहरण देंगे। फिर आपका अत्यधिक में आ जाएगा 100 से कम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आपका प्रश्न ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से जब आप पॉइंट देकर उसको समझाएंगे और दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न पूछेगा, ये जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का है, तब आप कम से हमारे ख्याल से 3 पेज आसानी से भर सकते हो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है यानी टॉपिक है उसको मैं कल बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।